जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास थर्ड के साथ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो आई होप आप सभी अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छे तरीके से जुटे हैं। आज स्टैटिक जीके के हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है। अभी तक दो क्लासेस हमारी स्टैटिक जीके की हो चुकी हैं। डेली आपकी स्टैटिक जीके की क्लास शाम को 8 बजे जो है वो लगती है, और जल्दी ही हिमाचल के करंट अफेयर की क्लास भी आपको जो है वो गिरिराज स्पेशल मिलने वाली है। तो सामान्य ज्ञान के साथ आप हमारे साथ डेली शाम को 8 बजे बने रहें। विजयपथ एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि डेली की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चन में आप हमारे साथ बिल्कुल 100% रिजल्ट जो है वो आप यहां पर शो करें, तभी आपकी जो जॉब है, आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आपको बताना है। पिछले कल भी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो दिया था। सो जल्दी से आज भी आप जो है इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्या इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज आपके लिए डेली जो है वो चलने वाली है। अब शाम को 8 बजे डेली टू डेली, शाम को 8 बजे डेली टू डेली जो है वो आपकी क्लास जो है वो लगती है। हमारे साथ आप बने रहें, जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। पिछले कल हमारे साथ जो है वो नितिन कटोच जी जुड़े थे, काफी अच्छा रिस्पांस था। विशाल चौधरी जी जुड़े थे, राजीव भारद्वाज क्रिएशन जुड़े थे, साहिल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, राहुल हमारे साथ जुड़े थे। तो जितने भी स्टूडेंट कल हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का जो है वो आज भी वेलकम है। एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, और ट्राई करें कि आप क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर ही पूरा कर दें। इतनी आपकी जो है वो अप्रोच होनी चाहिए कि 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो आप अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सभी के आंसर जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। 1556 में पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? दूसरी लड़ाई हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अकबर और किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच। तो हेमू, जिन्होंने भी राइट आंसर यहां पर कमेंट किया है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उनका, आंसर दें इसका। मानसरोवर झील डैश में स्थित है, यानी कि मानसरोवर झील कहां पर स्थित है, पता होना चाहिए आपको। तो मानसरोवर झील, जल्दी से एक बार आंसर आप कमेंट करें, कौन से देश में है? तो ये कहां पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत जो है वो एक चाइना से ही अलग हुआ देश है, और तिब्बत से कौन आए थे? दलाई लामा आए थे। कब आए थे? 1959 में आए थे। 1989 में उनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था शांति के लिए। और इनकी जो राजधानी है, जो दलाई लामा आए थे 1959 में हिमाचल, इनकी राजधानी कौन सी बन गई है? धर्मशाला इनकी जो है वो राजधानी है। तो तिब्बत में कौन सी झील है? मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस का, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए, रेबीज नामक रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है, ये आपको पता है। अब होता किसके द्वारा है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन इन द फॉर्म आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण है, प्रोटोजोआ के कारण है, या फिर किसी अन्य चीजों के द्वारा होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि कुत्ते के काटने के द्वारा होता है। अब रेबीज का इंजेक्शन लगाते क्यों है? क्योंकि कुत्ता काटता है। अब कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? देखिए, ये कोई इंसान है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये क्या है? कोई एक इंसान है। अब इंसान को क्या करेगा? कुत्ता क्या करेगा? काटेगा। कब काटेगा? जब कुत्ता कहाँ आएगा? उसके पास में आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, लुईस पाश्चर कब काटेगा? जब उसके पास आएगा। तो यानी कि पाश्चर, पास जब आता है कुत्ता, तभी वो काटता है, तभी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज
जो है वो बीमारी होती है, रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी खोज लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी और मुख्य रूप से है क्या ये वायरस है। तो अभी जिनका आंसर वायरस आया है वो बिल्कुल सही आंसर की ओर जो है वो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादातर गलती जो है वो इसी क्वेश्चन में बच्चे करते हैं। इसमें मैं आपको ऑप्शन जरूर दूंगा। मानव का सामान्य रक्तदाब यानी कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है ह्यूमन का, वो कितना होता है नॉर्मल अगर तरीके से देखा जाए, सामान्य रूप से कितना होता है। ये मैंने लिखा 120/80 या फिर 80/120। अब दोनों में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। कितना होता है ब्लड प्रेशर, कितना होता है 80/120 mm होता है या फिर 120/80 होता है। तो ब्लड प्रेशर हाई से लो की तरफ काउंट किया जाता है, यानी कि हाई वाली वैल्यू ऊपर और नीचे लो वाली वैल्यू 120/81, 20/80 जो है वो ब्लड प्रेशर को सही मापा जाता है। और अगर आप क्वेश्चन में 80/120 करेंगे तो ये आपका क्या है ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले हाई प्रेशर को लिखा जाता है, उसके बाद लो प्रेशर को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है बताइए शहद में मुख्यतः क्या होता है। देखिए शहद कैसा होता है, मीठा होता है। उससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि दूध में क्या पाया जाता है। दूध में मुख्य रूप से प्रोटीन है, वसा है, फैट भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है। तो वैसे शहद में मुख्यतः क्या होता है, शहद में क्या चीज़ होती है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है या वसा होती है। ये तीन ऑप्शन मैंने दे दी मुख्यतः। जैसे आलू में मुख्यतः क्या होता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद अगर गाजर की बात करूँ तो उसमें मुख्यतः ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है। वैसे ही शहद में, हनी में जो है वो मुख्यतः क्या पाया जाता है, जल्दी से कॉमेंट करें। और आंसर आना आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जिनका भी आंसर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आया है, बिल्कुल सही आंसर है उनका। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज है इंस्टेंट एनर्जी जो है वो दी जाती है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है अगर किसी की बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है तो उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है। आपको पता होगा जैसे गेम्स होती हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं उनको रनिंग से पहले ग्लूकोज का घोल दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में मुख्यतः क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमें, इंस्टेंट एनर्जी। आजकल मुख्य तौर से जो है वो मार्केट में आपको पता होगा रेडबुल है, स्ट्रिंग है, कई ज्यादा ऐसे लिक्विड जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो हमें मिलती है, जो हमें क्या देती हैं, इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, क्योंकि उसमें मुख्यतः मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो शहद में क्या होता है, हनी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को कहा क्या गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई थिंक आपका ये टैट 2020 का जो है ये क्वेश्चन रहा था, जहां तक मेरे को याद है टैट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि यहाँ पे मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि पूछा गया था। पहले आप आंसर एक बार कमेंट कीजिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ जो है वो कहा गया था। और टैट 2020 के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया था, तो वहां से आपसे अनुच्छेद पूछा था। तो अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहा गया था आपसे, राज्यों का संघ, यानी कि स्टेट का क्या है वो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जो है भारत को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर कीजिए, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्या चीज जो है वो हीरे को जो है वो ज्यादा चमकाती है। तो देखिए हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है, देखिए आपने, मैं यहां पर एक हीरा जो है वो मैंने यहां पर एक बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने क्या बना दिया, एक डायमंड बना दिया, ठीक है, ऐसे रफली। अब देखिए होता क्या है, अब हुआ क्या कि यहां से क्या होती है कि लाइट अंदर की तरफ पास कीजिए पास होती है, ठीक है, लाइट अंदर से पास होती है। आपने प्रिज्म में देखा होगा, प्रिज्म में क्या होता है, लाइट गई अंदर गई और बाहर निकल गई। अब हीरे में क्या होता है, जब लाइट जाएगी इस सरफेस से टकराएगी इस सरफेस से, इस सरफेस में, इसके बाद इसमें, उसके बाद वापस आएगी फिर इस सरफेस से इससे, यानी कि जो लाइट है वो अंदर ही क्या होती रहती है, एक दूसरे सरफेस से टकराती रहती है, जिसके कारण वो क्या करता है, ज्यादा
शाइनी नेचर का हो जाता है। किस नेचर का हो जाता है? शाइनी नेचर, यानी कि उसकी जो चमक है वो ज्यादा हो जाती है। तो किस कारण होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, ये जो है वो हीरे की चमक जो है वो ज्यादा दिखती है इसलिए। और सबसे अगर मैं इसकी अधातुओं की बात करूं तो सबसे सॉलिड चीज क्या है, या फिर जो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा सॉलिड है वो हीरा है, क्योंकि हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता है। और कार्बन का ऐसा एक एलोट्रोप सा जो सबसे ज्यादा क्या है, चमकदार है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो आपको आना ही चाहिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये आपको पता होना चाहिए। पहली महिला मुस्लिम शासक थी जिसने भारत पर राज किया था। रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी? जल्दी से आंसर आप कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी। हमारे साथ जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। शाम डेली 8 बजे विजयपथ एजुकेशन आपके लिए डेली लाइव GK फॉर ऑल एग्जाम, जिसमें आपके स्टेट लेवल, साथ में सेंट्रल लेवल के जो भी 10th+2 लेवल के आपके एग्जाम रहते हैं, जिसमें बेसिक स्टैटिक जी के आपसे पूछा जाता है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो डेली आपके लिए लेके आया है। तो जुड़ना ना भूलें, शाम को 8 बजे सब्सक्राइब करें। और साथ में आपके लिए जो है वो एक न्यूज़पेपर का एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, जिसमें डेली टू डेली आपको करंट अफेयर और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर, साथ में गिरिराज और प्रतियोगिता दर्पण आपको भेजी जाती है, साथ में अनदर मटीरियल जो कि आपकी कम्पिटिटिव की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो ग्रुप बनाया गया है, BD के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो आंसर आपने दिया है, इल्तुमिश, बिल्कुल सही है। इल्तुमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके किन शासकों के द्वारा जो है वो जारी किए गए? तो देखिए, पिछले कल की क्लास में मैंने आपसे क्या पूछा था कि सबसे पहले, देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, पिछले कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, पिछले कल का क्वेश्चन ये था। तो किसने जारी किए थे आपको पता होना चाहिए, पिछले कल ये भी बताया था, ग्रीक। जो भी साथी पिछली क्लास लगा के आए उनको पता होना चाहिए, ग्रीक ने जो है, यूनानी जो थे, जिन्होंने क्या किया था, यूनानी जो शासक थे उन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत में सबसे अधिक यह सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। अब दोनों क्वेश्चन में क्या है अंतर, उसमें यह बोला गया था कि सबसे पहले किसने चलाए हैं, यहां पर सबसे पहले की बात नहीं की गई है, सबसे पहले किसने चलाए, वो चलाए यूनानियों ने। लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्के चलाए। अब यूनानी जो थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, उसके बाद कांसे के सिक्के चलाए, मल्टीपल चलाए, ऐसा नहीं कि सारी की सारी अपनी करेंसी को क्या कर दिया, सोने में चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने सबसे पहले चलाए। लेकिन सबसे ज्यादा किसने चलाए हैं, ये सबसे ज्यादा प्योरिटी वाले सिक्के किसने चलाए हैं, तो वो किसने चलाए हैं, आंसर आपका जो है वो आ गया है, कुषाण वंश के शासकों ने सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो भारत में चलाए थे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सोना जो है वो उसकी प्योरिटी का सिंबल क्या है, उसकी प्योरिटी का सिंबल है कैरेट, 24 कैरेट। कैरेट जो है वो किसके लिए बताता है, उसकी प्योरिटी के लिए बताता है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक कैरेट और यूज किया जाता है, कैरेट जो है वो आपके हीरे के भार को दर्शाता है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैरेट जो है वो उसके दो फिनोमिने हैं, पहला सोने के लिए अगर बात करें तो उसकी प्योरिटी को दर्शाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास सोना है 20 कैरेट का, इसका मतलब प्योर नहीं है, प्योर कब होगा, जब 24 कैरेट का वो सोना होगा। क्लियर हो गया? अब प्योर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्योर जो है उसके हम जो ज्वेलरीज है वो बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें हल्का सा क्या मिलाना पड़ता है, उसमें हल्की सी इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करनी पड़ती है। ये बेसिक आपका साइंस का, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। लेकिन मेरा बोलने का जो मेन मोटिव ये है कि कैरेट जो है वो दो तरीके से आप जान सकते हैं। पहला, अगर सोने से रिलेटेड पूछा है कि कैरेट का मतलब क्या है, तो सोने से रिलेटेड है कि वो उसकी प्योरिटी को दर्शाता है, उसकी शुद्धता को दर्शाता है। लेकिन जब हीरे की बात की जाती है तो हीरे में कैरेट का मतलब क्या, उसके भार को दर्शाता है, क्योंकि हीरा जो है वो किलो या ग्राम में काउंट नहीं किया जाता, उसको किस में किया जाता है, उसको कैरेट में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब सोना जो है उसका भार किस में काउंट किया जाता है, उसका भार जैसे 10 ग्राम आ गया, या 5 ग्राम का सोना आ गया, 5 ग्राम का सिक्का आ गया, उसके भार के यूनिट क्या है, ग्राम है। लेकिन प्योरिटी के क्या है,
कैरेट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? ये भी मैंने आपको पिछले कल की क्लास में बताया था, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में बताया था, जिसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन के बारे में बात की गई थी। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है क्या? सूर्य के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, क्या वो आपस में टूट कर एनर्जी देते हैं या फिर जुड़कर एनर्जी देते हैं? आपको पता होना चाहिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो हिंट आपको कैसे याद रखना है, सूर्य की ऊर्जा से हम क्या कहते हैं, सभी के सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अब इसके लिए आपको कैसे ध्यान में रखना है, देखिए एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है, विखंडन। ये चीज आपको पता है क्या मतलब होता है इसका, विखंडन होता है। अब देखिए विखंडन का मतलब टूटना, ठीक है, और फिजन का मतलब भी टूटना, ये दोनों अलग हो गए। ये तो आ गया टूटना, ठीक है, और फिजन का मतलब होता है एक साथ यानी कि जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए ट्रिक कैसे है आपकी, सूर्य की ऊर्जा से हमें क्या मिलती है, धूप मिलती है, ठीक है, धूप हमें मिल गई, ठीक है, धूप मिल गई। अब ज्यादा धूप जब हो गई तो हम क्या, तो हम क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं छाया। मान के चलते हैं एक फैमिली मेंबर में पांच मेंबर, एक फैमिली में पांच मेंबर हैं और बाहर वो बैठे हैं धूप में, सूर्य की ऊर्जा में बैठे हैं। अब उनको क्या लगी, गर्मी लगी, ठीक है, गर्मी लग के क्या करेंगे, वो सारे के सारे एक कमरे में चले जाएंगे जहाँ पे क्या होगी, छाया होगी या फिर कूलर एसी फैन जो भी उन्होंने लगाया। इसका मतलब सूर्य की ऊर्जा से क्या करते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहना यानी कि जुड़ के रहना, जुड़ के रहने को क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं, ना कि टूट के, यानी कि अलग अलग नहीं रहते हैं, एक जगह रहते हैं जहां पे छाया है, जहां पे कूलर लगा है। तो यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो इसका क्या है, मुख्य कारण है सूर्य की ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं अभी जो है वो पूछने जा रहा हूं, ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक देव जी की जीवनी जो है वो लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का और सिख धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का भी आपसे अभी कुछ टाइम में ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अभी आप सिख गुरु के बारे में ऐसे बताइए कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक देव जी, जो कि सिखों के गुरु रहे हैं, गुरु नानक देव जी की जीवनी जो है, बायोग्राफी जो है, उन्होंने लिखी थी। जो इसका राइट आंसर है वो है गुरु अंगद देव। आई थिंक ये गुरु अंगद देव जो थे वो नौवें गुरु थे, एक बार आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें कि गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने जो है वो गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी जो है वो लिखी थी। अगला प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? आर्मी की जो लाल किताब आपके पास आती है, यानी कि जिसको आप एसके पब्लिकेशन की आप लाल किताब जिसको आप कहते हैं, आर्मी जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेडमैन या फिर एयरफोर्स नेवी की जो भी एसके की किताबें आती हैं, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, रोम शहर किस नदी के किनारे है? रोम शहर है टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर आप दीजिए, राज्यसभा से रिलेटेड पिछले कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देने का प्रावधान जो है वो रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिनों में जो है वो धन विधेयक को जो है वो पास किया जाना चाहिए राज्यसभा के द्वारा। यानी कि आपको ये भी पता है कि जो हमारा धन विधेयक है वो कहाँ पे पास होता है, यानी कि मनी बिल जो है वो कहाँ पे पास होता है, लोकसभा में पास होता है, लेकिन जब वो राज्यसभा में जाता है तो कितने दिनों में जो है वो उसको जो है वो उसको वापस जो है वो किया जाता है, पूरा किया जाता है, तो कितने दिनों में किया जाता है? 14 दिनों में किया जाता है, 14 डेज के अंदर अंदर उसको जो है वो लौटा दिए जाने का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? जो चोल राजा हुए थे भारत में, उनका काफी ज्यादा शासन जो है वो रहा था, चोल राजा हुए थे उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी तंजोर। तंजोर जो थी वो क्या थी, उनकी राजधानी थी। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें, किस प्रकार से आपको ये सेशन लग रहा है वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। अगर हमारी क्लासेस में कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफाई अगर आपको करवाना है, तब भी आप हमसे जो है वो कुछ आप अपना सुजेशन जो है वो आप हमें भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी ही उस चीज़ को भी जो है
आपकी उस सजेशन को जो है वो अमल में लेके आया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग यानी कि स्पेस कमीशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। देखिए ध्यान दें, आपसे यहाँ पर इसरो की बात नहीं बोली गई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं बोली गई है, क्योंकि इसरो बना था 1969 में। और कब बना था? उस दिन क्या था? 15 अगस्त था। 15 अगस्त आने भी वाला है। 15 अगस्त 1969 को जो है वो इसरो की जो है वो स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बारे में बात बोली गई है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की बात बोली गई है। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग जो स्पेस कमीशन जो है वो बना था, कब बना था? तो जिनका आंसर यहां पर आया है वो एक बार करेक्ट यहां पर कर लें, 1972 है। जिन्होंने भी आंसर यहां पर दिया है वो ध्यान दें, 1972 में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो है वो स्थापना की गई थी। और जिस प्रकार हमारे भारत में सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिया गया है, जैसे खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके मंत्री कौन है? एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसे कौन से मिनिस्टर हैं जिनके पास स्पेस से रिलेटेड जो भी हमारी साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, इसरो का डिपार्टमेंट है, उसके उसका जो मंत्रालय है वो किस मंत्री के पास दिया गया है, एक बार आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर जो है वो गंग वंश के शासकों के द्वारा जो है वो बनाया गया था, ये कहां पर स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपको पता होना चाहिए, भगवान श्री राम को जो है वो ये समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर काफी फेमस टेम्पल जो है, यहाँ पे रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। तो ये कहाँ पर है? पुरी में है, उड़ीसा में जो है वो जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो पुरी जिनका भी राइट आंसर इन्होंने कमेंट किया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? गंगा नदी जो है वो भारत की क्या है? सबसे पवित्र नदी है, नेशनल रिवर के नाम से, राष्ट्रीय नदी के नाम से भी गंगा नदी को ही जाना जाता है। तो बांग्लादेश से होके ये गुजरती है, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या रखा जाता है वो आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है? पद्मा। पद्मा के नाम से जो है वो गंगा को हम बांग्लादेश में जानते हैं। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो काफी अच्छी लग रही है, आप वीडियो के साथ बने रहें, शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न, हैदराबाद और किस शहर को जो है वो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद के बिल्कुल साथ में ही है। हैदराबाद जो है वो किससे मिलकर बना है? तेलंगाना की जो है ये राजधानी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है ये राजधानी है। अभी कुछ टाइम पहले जो है वो इसकी राजधानी चेंज हो गई थी। तो हैदराबाद तथा उसके साथ में ऐसा कौन सा शहर है जिसको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर आप बताएं। तो जो भी आंसर यहाँ पर सिकंदराबाद कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, सिकंदराबाद जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। और ये जो है महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है या फिर इसका ओल्ड नेम क्या था? तो हिंट मैंने दे दिया, जय से इसका नाम स्टार्ट होता है। आप कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर है, जल्दी से जल्दी जल्दी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हैं कमेंट आप करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? जय संहिता। जय संहिता के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? महाभारत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा? टोटल वेद कितने? 4 वेद। सबसे पुराना कौन सा, सबसे नया कौन सा, और 4 वेदों के नाम ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पुराना वेद कौन सा? वो है आपका ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो बाकी तीनों वेदों से थोड़ा सा अलग माना जाता है। उसको जो है वो एक हल्का सा बुराई का प्रतीक भी जो है वो माना जाता है, क्योंकि उसमें स्त्री को जो है वो बुरा माना गया है, लड़की के जन्म को जो है उसमें बुराई की गई है, इसलिए इन तीन वेदों से उसको थोड़ा सा अलग रखा गया है। और उस अथर्ववेद से एक चीज जो निकल के आती है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है
वो किस वेद से निकल के आया है? अथर्व वेद से निकल कर आया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं यानी कि अपने पद को वो छोड़ती हैं, अपना त्याग पत्र जो है वो किसके पास देके जाएंगी, किसके पास देके जाएंगी? क्योंकि राष्ट्रपति से छोटा कौन? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कल भी आपसे पूछा था, जो भी कल हमारे साथी जुड़े थे उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया था, जगदीप धनखड़े जी जो हैं वो हमारे वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा की अध्यक्ष हैं वो। तो राष्ट्रपति जो है वो किसे अपना त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न है, हजामती दर्पण यानी कि जो शेविंग मिरर है जहाँ से हम अपनी शेव जो है वो बनाते हैं, तो जो सैलून में जिस मिरर का यूज़ किया जाता है, बेसिकली हम जो है वो प्लेन मिरर का ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर साइंस की फॉर्मेट में देखा जाए तो जो शेविंग मिरर है वो किस दर्पण का बना होना चाहिए, यानी कि कनकेव होना चाहिए या फिर कन्वेक्स होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला शेविंग मिरर कौन सा है और दूसरा गाड़ी के पीछे देखने वाला जो शीशा है वो कौन सा है। तो गाड़ी के पीछे जो देखने वाला है वो है कन्वेक्स, जिसको उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, और अभी जो आपने आंसर किया है बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, तानसेन का असली नाम क्या था? जल्दी से आंसर आप बताएं। इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर पूछूंगा, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं उसका भी आंसर आप एक बार कमेंट कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि कुछ कुछ हमारे जैसे निक नेम होते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि माही जो है वो किसे कहा जाता है, तो माही के नाम से जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं, लिटल मास्टर के नाम से जो है वो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है वो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। वैसे ही मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और बुलडोजर के नाम से जो है जो काफी ज्यादा अभी न्यूज में जो है वो चल रहे हैं, उनका आप असली नाम बताइए, यानी कि मूल नाम आप उनका बताइए। तो तानसेन का असली नाम क्या था? राम तनु पांडे। राम तनु पांडे किसका नाम था? तानसेन का नाम था। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनाया था? तो हाथी गुफा जो है वो कहां पर है? ये है आपकी उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यादा आपको इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाथी गुफा कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, गोलक झरना, गोलक झरना कहां पर है? बेलागावी में है। बेलागावी कहां पर है ये आपसे पूछा गया है, किस राज्य में है? तो बेलागावी जो है, गोलक झरना जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। अब इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, देखिए यहां पर है गोकक, गोकक से आप क्या बना लीजिए? गोलक बना लीजिए। सॉरी, मैंने शायद गोलक ही पहले बोल दिया था। गोकक झरना जो है, गोकक से आप क्या बना लीजिए? गोलक बना लीजिए। ट्रिक आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपसे गोलक अगर मैं आपसे गोलक मांगू तो आप क्या करेंगे? मना करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे? बहाने लगाएंगे। आप क्या करेंगे? मेरे सामने नाटक करेंगे, नहीं देने का नाटक करेंगे। नाटक करेंगे तो नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। होगी ना आपकी ट्रिक? तो गोकक झरना क्या है? गोलक झरना आप मान के चलिए। मैंने आपसे गोलक मांगी, आपने मना कर दिया, क्योंकि उसमें क्या है? पैसे हैं। आपने क्या किया? मेरे सामने नाटक करना शुरू कर दिया कि मम्मी ने मना किया है, गोलक नहीं देनी है, टूट जाती है। आपने क्या किया? नाटक किया। नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक जो है वो काफी अच्छी लगी है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिडिक रेन होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो एक तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और दूसरी मुख्य जो गैस है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? SO2। अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन है, जो कि सबसे ज्यादा दिल्ली या यूपी साइड जो है वो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ताजमहल है उसका रंग काला पड़ने वाला है कुछ टाइम के बाद। उसका जो रंग है वो धीरे धीरे जो है वो ब्लैकिश कलर जो है वो हो रहा है डेली, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। यूपी और जो आपका आगरा वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा
फैक्ट्रीज की वजह से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, साथ में NO2 की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो एसिड रेन वहाँ पे होती है वो काफ़ी हार्म जो है वो इसको हमारे ताजमहल को कर रही है। अगला प्रश्न है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पिछले कल भी मैंने आपको बाबरनामा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पुस्तक से रिलेटेड जो है वो पिछले कल आपसे पूछा था। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, गुड अर्थ किसने लिखी थी? पर्ल्स एस बर्ग के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आपके जो लेवल है, जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपके एग्जाम का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहले पेपर वन, पेपर टू इस तरीके से होने थे, पुराने पैटर्न को जब दोबारा लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि अगर आपका प्लस टू लेवल का भी एग्ज़ाम है, अगर हिमाचल पटवारी या HRTC या फिर हिमाचल पुलिस का भी एग्ज़ाम है, तो वो भी आपका किस लेवल का डाल देंगे, वो बैंकिंग लेवल का डाल देंगे। आप खुद एक बार ये सोच के देखिए कि हिमाचल पुलिस में टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास टाइम कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट होते हैं। अगर मैं 60 मिनट में 60 क्वेश्चन भी करूंगा, इसका मतलब 1 मिनट में मेरे को एक ही क्वेश्चन हो पाया, तब भी मेरे 20 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, और 20 क्वेश्चन अगर मेरे को वो करने हैं, इसका मतलब मेरे पास लगभग जो है वो 1 मिनट से कम समय है। मैं मान के चल सकता हूँ एक मिनट नहीं है, 45 सेकंड का जो है वो मेरे पास टाइम है। अब जब आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो बीच में कोई चेकिंग करने वाला चला है, कोई साइन करने वाला चला है, कोई स्टैंप लगाने वाला चला है, तो इसका मतलब 5-10 मिनट आपके वहाँ पे वेस्ट हो गए। आपके पास बचे कितने, टोटल 50 मिनट। 50 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, और उसमें से भी आपको रीजनिंग में पजल डाल दी जाती है, यानी कि बैंकिंग का लेवल आपके लिए कर दिया गया। उस पजल से आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर आपकी पजल बन गई तो आपके 5 नंबर आ गए, पजल नहीं बनी तो 5 के 5 आपके क्वेश्चन गए। तो लेवल आप सोचिए, तो जरूरी नहीं है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिक क्वेश्चन, जैसे गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, पर्ल एस बक, जो ऐसी किताबें जो आपने सुनी ना हो, यूनिक हो, थोड़ी सी हटके हो, तो इस तरीके से आपके जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो तैयारी भी आपकी क्या होनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली युद्ध मिसाइल कौन सी थी या कौन सी है? तो भारत ने सबसे पहली मिसाइल ऐसी कौन सी छोड़ी थी जिसे जो है वो फाइटर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरे को क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से याद हुआ था, आपको पता होगा कि स्कूल्स में जो है वो प्लस टू लेवल्स तक क्या बनाए जाते हैं, हाउस बनाए जाते हैं, जैसे कि गांधी हाउस, सुभाष हाउस है, उसके बाद नदियों के नाम से बनाए जाते हैं, बिपाशा हाउस, गंगा हाउस, यमुना हाउस, इस तरीके से 4 हाउस बनाए जाते हैं उन बच्चों के, जिसमें 9th 10th +1 +2 के बच्चे आते हैं। तो हमारे स्कूल्स में जो है वो मिसाइलों से रिलेटेड जो है वो एक हाउस जो है वो बनाए गए थे, जिसमें अग्नि था, पृथ्वी था, उसके बाद आर्यभट्ट था, जो भी मतलब हमने सैटेलाइट या मिसाइलें छोड़ी थी, तो उसके नाम के ऊपर हाउस जो है बनाए गए थे। तो वहीं से मेरे को ये क्वेश्चन जो है वो अभी तक मेरे को याद है। तो पहली युद्ध मिसाइल कौन सी थी भारत की, वो थी पृथ्वी, जिसका नाम क्या था, पृथ्वी था। तो कुछ भी तरीके से आप कोई भी ट्रिक अपने माइंड में आप याद करके जो इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? पहला मुसलमान शासक जिसने समाज को सुधारने का काम किया, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जामिन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले कल भी मैंने आपसे पूछा था, राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन जो है वो कब हुई थी, ये आप जल्दी से बताएं। 1969, 1968, 1964, जल्दी से एक बार आप कमेंट करें कि नेशनलाइजेशन जो है वो कब हुई थी। बैंक मैंने आपको बताए थे, 14 बैंक जो है वो एक साथ नेशनलाइज किए गए थे। किसने किए थे पहली बार? इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है वो किए गए थे। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किसने किया, जल्दी से कमेंट कीजिए आप, किसने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है, जल्दी से ट्रांजिस्टर के बारे में आप बताइए। ट्रांजिस्टर बेसिकली जो है वो एक सेमीकंडक्टर होता है,
जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक सिग्नल या पावर को जो है वो एम्पलीफाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए। बेसिक फिनोमिना है जिसके तीन लेग्स जो है वो मानी जाती हैं, बेस, एमीटर, कलेक्टर। ये तीन बेसिक जो है वो इसकी जो लेग्स हैं उसको हम कहते हैं। और ये जो है वो दो डायोड के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। बेसिक सा फिनोमिना पीएनपी ट्रांजिस्टर आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये है, अब ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी, क्योंकि इसका इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आईसीज बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा, इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो खोज है, ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी, 1948 में इसकी खोज हुई थी। 1948 एक और आपको ध्यान रखना, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्या किया था, मारा था, गोली मारी थी 1948 में। कब मारी थी, 30 जनवरी को मारी थी, ठीक है जी। 30 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा आप कोरिलेट करें चीज़ों को, 1948 आया, 1948 से आप महात्मा गांधी को रिलेट करें, महात्मा गांधी से उनकी डेथ को रिलेट करें, उनकी डेथ से उस दिन को रिलेट करें, तो एक ही क्वेश्चन से आपके 3 या 4 नए क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी है, एक नया जीके जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो शेयर किया, आपकी लर्निंग जो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। डेली हिंदी या इंग्लिश में अगर आप करंट अफेयर पाना चाहते हैं तो आप विजयपथ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं जैसे कि दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, हिमाचल दस्तक, इस तरीके से न्यूज़पेपर हिंदी में, और इंग्लिश के आपके जो मेजर न्यूज़पेपर रहते हैं जो आपकी बुक ऐप को जो है वो काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि आपकी द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, ट्रिब्यून है, इस तरीके के आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर। और साथ में आपको जो है वो करंट अफेयर जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, स्पेशली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर के लिए वो आपको ग्रुप बनाया गया है, जिसमें डेली टू डेली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्यूज़पेपर करंट अफेयर भेजा जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली शाम को 8 बजे आप विजयपथ एजुकेशन के साथ आप जुड़ें, और जो भी स्टैटिक जीके के आपके क्वेश्चन रहते हैं उनको एक बार आप ज़रूर रिवाइज करें, चेक करें कि आपकी तैयारी जो है वो अभी तक कितनी हुई है। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।